मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना काल के दौरान कई विकास कार्य और रुके हुए प्रोजेक्ट एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगे हैं। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के जीर्णोद्वार और पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट को लेकर सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विचार विमर्श करते हुए 20 एकड़ जमीन पर आने वाले समय में कई निर्माण कार्य किए जाएंगे, जिसके लिए केंद्र के साथ जिला प्रशासन की भी अनुमति मिल चुकी है। यात्रियों की संख्या को बढ़ता देख नया टर्मिनल बनाया जाएगा। पार्किंग सहित अन्य सुविधाओं पर चिंतन किया गया है और जल्द ही ई वीजा की सुविधा भी क्रियान्वित होते ही इंटरनेशनल फ्लाइट की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। एयरपोर्ट के निजीकरण होने से कई सुविधाओं में इजाफा होगा, इससे भी सांसद शंकर लालवानी सहमत नजर आए। तो वहीं एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यमा साल्यान का सम्मान भी किया, क्योंकि एयरपोर्ट डायरेक्टर का इंदौर से वाराणसी तबादला हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान चलने के दौरान एक समस्या सामने आई थी, हमने देखी थी ई वीजा को लेकर, और उस समय हमने केंद्रीय गृह मंत्री और मंत्रालय को लिखा था कि यहाँ पर ई वीजा की सुविधा बढ़ाई जाए। उस समय ई वीजा नहीं थी, लेकिन जो अभी जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार ने इंदौर में ई वीजा उपलब्ध करा दी है, तो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बहुत बड़ा एक हम कैसे सुविधा पैसेंजर को मिलेगी। कैसा लग रहा आपको? सबसे पहले मैं ये कहूँगी, मैं जा नहीं रही हूँ, इसको मैं परिवर्तन करना चाहती हूँ। घर की बच्चा जब कहीं जाते तो वापस घर ही आते, तो इंदौर ने कम से कम मुझे ये एहसास करा दिया कि मैं इंदौर की हूँ, क्योंकि इंदौर सदा मेरे हृदय में रहने वाले, और मैं इंदौर के हृदय में रहने के लिए काम करूँगी, इंदौर के होकर काम करूँगी जहाँ भी रहूँगी। तो निश्चित रूप से हो भी सकता है सर कि 2 वर्ष बाद मैं पुनः यहाँ आ जाऊँ, आपकी तत्वावधान में पुनः मैं काम करने का मुझे अवसर मिले, क्या पता। लेकिन बहुत अच्छा लगा, यहाँ सब लोग बहुत सकारात्मक रहे, और मेरा प्रयास हमेशा था कि कुछ अच्छा जो है जनता के लिए कर पाऊँ, आम आदमी के लिए कर पाऊँ, और जिसके लिए किया उन लोगों को अच्छा लगा। और सर आम जनता के प्रतिनिधि होते हुए आशीर्वाद किए, मैं सर को नमन करती हूँ और ये कहती हूँ मैं प्रतिबद्ध हूँ देश की सेवा के लिए, जहाँ भी रहूँगी देश के लिए काम करूँगी। इंदौर एयरपोर्ट के निजीकरण के साथ साथ कई सुविधाओं में इजाफा होने से यात्रियों को बहुत फायदा होगा। इंदौर से मृदुभाषी के लिए ट्वंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।